हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कारों के बारे में जो कि टाटा मोटर्स जल्दी भारतीय कार बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं टाटा मोटर्स की कारें आजकल भारतीय कार बाजार में काफ़ी ज़्यादा बिकती है और इनकी गाड़ियों की जो सेफ्टी होती है, लुक्स होते हैं, इंजन होते हैं, वो आजकल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही सालों में नंबर वन सेलिंग ब्रांड टाटा मोटर्स बन जाएगा भारतीय कार बाजार में। वही बात करें कुछ कारों की जो कि जल्दी भारतीय बाजार में आने वाली है टाटा मोटर्स के द्वारा, तो लिस्ट में नंबर वन गाड़ी की बात की जाए तो वो है नेक्सॉन फेसलिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में टेस्टिंग के दौरान काफ़ी बार रिपोर्ट की गई नेक्सॉन फेसलिफ्ट जल्दी भारतीय कार बाजार में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी काफ़ी बिग अपडेट्स के साथ भारतीय कार बाजार में लॉन्च होगी, जिसमें इसके फ्रंट फेशिया में आपको न्यू ग्रिल, न्यू एलईडी डीआरएफ जो कनेक्टेड रहने वाले हैं, वहीं इसमें आपको न्यू स्पोर्टी बम्पर लाइटिंग सेटअप कार में देखने को मिलने वाला है। वहीं फ्रंट में आपको कैमरा भी देखने को मिल सकता है, साथ ही फ्रंट पार्किंग सेंसर भी कंपनी इसमें प्रोवाइड कर सकती है। वहीं रियर सेक्शन की बात की जाए तो रियर में आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स नेक्सॉन की बैचिंग के साथ देखने को मिलने वाले हैं। वहीं आपको इसमें न्यू स्पोर्टी बम्पर, फुल एचडी कैमरा विद पार्किंग सेंसर, रियर वाइपर, वॉशर और नेक्सॉन की बैचिंग देखने को मिलने वाली है। साइड पोर्शन सिमिलर रहने वाला है। 17 इंचेस के आपको अलॉय व्हील्स न्यू देखने को मिलने वाले, जो कि थोड़े से 3D और डायमंड कट स्टाइल में देखने को मिलने वाले हैं। गाड़ी अपने आप में काफी ज्यादा प्रीमियम अपीलिंग लुक के साथ आने वाली है। बात करें इंटीरियर फीचर्स की तो इसमें आपको 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल्ली डिजिटल MID, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, न्यू लेदर अपहोल्स्ट्री विद ब्लू कलर, न्यू लेदर इंटीरियर देखने को मिलने वाला। उसी के साथ साथ इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा, न्यू बिग सनरूफ कंपनी प्रोवाइड करने वाली, उसी के साथ साथ पैडल शिफ्टर, टू स्पोक स्टेयरिंग व्हील और हैप्टिक कंट्रोल के साथ आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिलने वाले हैं। बात की जाए इंजन ऑप्शंस की तो इसमें आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलने वाला, जिसमें आपको इनहेंस पावर एंड इनहेंस टॉर्क देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ इसमें आपको 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, जो कि अनचेंज रहने वाला, करंट जनरेशन से सिमिलर रहने वाला है। बात की जाए इस गाड़ी के ट्रांसमिशन के तो कंपनी इसमें एक न्यू DCT डुअल क्लच ट्रांसमिशन कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। प्राइसिंग 9 लाख के आसपास रह सकती है और नवंबर 2023 तक ये भारतीय कार बाजार में लॉन्च हो सकती है। बात की जाए नंबर सेकंड गाड़ी की तो वो है पंच ICNG एंड पंच EV। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही टाटा पंच के दो वेरिएंट्स कंपनी लॉन्च कर सकती है। पंच ICNG की बात की जाए तो इसे ऑटो एक्सपो 2023 में शोकास्ट किया गया था, जिसमें आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी से लेस इस कार में सनरूफ देखने को मिलने वाला। कार में काफी प्रीमियम अपीलिंग लुक के साथ सनरूफ देखने को मिलेगा, जिससे इस गाड़ी की जो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। साथ ही माइलेज की बात करें तो ये आपको लगभग 24 से 25 का माइलेज प्रोवाइड कर सकती है। प्राइसिंग 8 लाख के आसपास रहने वाली है। वही सितंबर के महीने में इसे लॉन्च किया जाएगा। वही बात करें पंच ईवी की तो भारतीय कार बाजार में पंच ईवी भी जल्दी लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें सेम इलेक्ट्रिक मोटर आपको जो टाटा टियागो ईवी में देखने को मिलती वो मिलने वाली है। सिर्फ इसमें आपको एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस, एक अच्छी SUV मिल जाएगी, जो कि आपको ईवी के साथ देखने को मिलेगी अंडर 10 लाख रुपीस में। जी हाँ दोस्तों, अंडर 10 लाख रुपीस में टाटा मोटर्स ही एक ऐसा कार ब्रांड है जो कि आपको ईवी प्रोवाइड कर देता है। अगर टाटा पंच भी आ जाती है ईवी के अंदर तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार रह सकती है। 9 लाख के आसपास की प्राइसिंग रह सकती है। वहीं ये जनवरी 2024 तक भारतीय कार बाजार में आ सकती है। लिस्ट में तीसरे नंबर की गाड़ी की बात करें तो वो है टाटा हैरियर फेसलिफ्ट एंड टाटा हैरियर ईवी। सबसे पहले बात करें टाटा हैरियर फेसलिफ्ट की। जी हाँ दोस्तों, टाटा हैरियर फेसलिफ्ट के हाल ही में टेस्टिंग के दौरान लिए गए कुछ इमेजेस इंटरनेट पर वायरल हुए थे, जो कि आपने स्क्रीन पर देख ही सकते होंगे। इसके फ्रंट फेशिया में आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, टाटा हैरियर अपने न्यू लुक, न्यू अवतार के साथ जल्दी भारतीय कार बाजार में लॉन्च होने की तैयारी कर रही है। फ्रंट में आपको न्यू हेडलैम्प सेटअप, कनेक्टेड DRLs, न्यू टाटा लोगो विद न्यू ग्रिल, न्यू स्पोर्टी बम्पर देखने को मिलने वाला। वहीं फ्रंट आपको काफी ज्यादा एग्रेसिव देखने को मिलने वाला है आने वाली टाटा हैरियर फेसलिफ्ट में। वहीं बात की जाए रियर सेक्शन की तो रियर में आपको न्यू LED हेडलैम्प्स देखने को मिलने वाले, जो भी कनेक्टेड हो सकते हैं। उसी के साथ टाटा हैरियर की बेजिंग, न्यू स्पोर्टी बम्पर, रियर फुल HD कैमरा, रियर वाइपर, वॉशर, डिफोगर देखने को मिलने वाला। साइड पोर्शन ऐसा कुछ आपको सिमिलर देखने को मिलने वाला है। इंटीरियर में आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलने वाले। इंटीरियर काफी ज्यादा लग्जोरियस बनाया गया है। उसमें आपको काफी बड़ी 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, मिडल जो सेक्शन होता है
जहाँ पे आपको गैरनॉक की ब्लेसिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलने वाली है। वही स्टेयरिंग व्हील भी काफ़ी प्रीमियम बनाया गया है। न्यू लेदर अपहोल्स्ट्री, न्यू कलर स्कीम इसके इंटीरियर में देखने को मिलने वाले। उसी के साथ साथ वायरलेस चार्जिंग, पैनोरामिक सनरूफ कंपनी प्रोवाइड करेगी। वही एक न्यू एडास की टेक्नोलॉजी इसमें मिलने वाली है। 360 डिग्री कैमरा इसमें देखने को मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम अपीलिंग कार लगने वाली है और इसमें कंपनी एक पेट्रोल इंजन को भी लॉन्च कर सकती है। काफ़ी बार टेस्टिंग के दौरान वो वेरिएंट सपोर्ट किया गया है जिसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जिससे इसकी प्राइसिंग आपको थोड़ी बहुत कम देखने को मिल सकती है करंट जनरेशन टाटा हैरियर से। वही टाटा हैरियर ईवी भी भारतीय कार बाजार में जल्दी लॉन्च होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसे ऑटो एक्सपो 2023 में शोकास किया गया था। ये गाड़ी एक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कॉम्पैक्ट ईवी एसयूवी रहने वाली है जो कि एमजीएस से एक अबव सेगमेंट में लॉन्च की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसकी प्राइसिंग हम मान सकते हैं लगभग 20 लाख के आसपास रह सकती है और दिसंबर में लॉन्च हो सकती है। वहीं टाटा हैरियर फेसलिफ्ट की बात की जाए तो उसकी प्राइसिंग 15 लाख के आसपास रह सकती है और अक्टूबर 2023 तक ये लॉन्च हो सकती है। चलिए सीरीज में आगे बात करते हैं अगली गाड़ी की, तो वो है टाटा सफारी फेसलिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, टाटा हैरियर के अलोक टाटा सफारी का भी एक फेसलिफ्ट लॉन्च किया जाने वाला है, क्योंकि इनकी टेस्टिंग साथ में ही हो रही थी जिसकी वजह से टाटा हैरियर के साथ साथ टाटा सफारी का भी एक इमेज जो है इंटरनेट पर लीक हुआ था इसके टेस्टिंग के दौरान, जिसमें आपको फ्रंट फेशिया और रियर फेशिया काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलने वाला है। सिमिलर हो सकता है टाटा हैरियर और टाटा सफारी का। इसमें भी आपको फ्रंट में न्यू लाइटिंग सेटअप, न्यू डीआरएल, न्यू स्पोर्टी बम्पर और अलॉय व्हील्स भी इसमें आपको ब्लैकिश कलर काफ़ी प्रीमियम अपीलिंग व्यू देखने को मिलने वाले हैं। वो इसमें आपको सनरूफ, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर देखने को मिलने वाला, 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिलने वाला। गाड़ी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रगेड प्रीमियम लुक के साथ आने वाली है। प्राइसिंग इसकी रह सकती है लगभग 18 के आसपास और लॉन्चिंग मेरे हिसाब से ये हैरियर फेसलिफ्ट के साथ ही अक्टूबर 2023 तक भारतीय कार बाजार में लॉन्च की जा सकती है। देन बात की जाए लिस्ट में अगली गाड़ी की, तो वह टाटा कर्व। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कंफर्म हो गया है कि टाटा कर्व भी भारतीय कार बाजार में लॉन्च की जाने वाली है। बेसिकली ये मिड साइज कूपे एसयूवी रहने वाली है। अगर आपको मोटा मोटा अंदाजा लगाओ तो जो X6 आती है BMW की, उस टाइप में आपको लुक देखने को मिलने वाला है। इसकी प्राइसिंग लगभग 12 लाख के आसपास रहेगी। वह दिसंबर के महीने में लॉन्च की जाएगी। फ्रंट आपको थोड़ा बहुत टाटा नेक्सोन से लिया गया लग सकता है, यानी कि फ्रंट में आपको न्यू LED DRLs, न्यू हेडलैम्प्स, न्यू स्पोर्टी ग्रिल के साथ स्पोर्टी बम्पर देखने को मिलने वाला। रियर सेक्शन एक स्लोपी डिजाइन के साथ रहने वाला, जिसमें जो रियर विंडो और रियर का जो हुड होता है वो एक साथ आपको ओपन होता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि BMW X6 में आपको देखने को मिलता है। या फिर आप इसे कंपेयर कर सकते हैं रेनॉल्ट की अर्काना से। वहीं इसकी प्राइसिंग काफ़ी लेस रहने वाली है। जो एक ज़्यादा बूट स्पेस वाली प्रीमियम कूपे कार खरीदना चाहते हैं, उनके लिए टाटा मोटर्स ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम कार लेके आने वाले हैं, जो कि हाल ही में टेस्टिंग के दौरान काफ़ी बार रिस्पोंड की गई है और ऐसा माना जा रहा है कि इसे जल्दी भारतीय कार बाजार में लॉन्च किया जाने वाला है, यानी दिसंबर 2023 तक ये भारतीय कार बाजार में लॉन्च की जा सकती है। इसके इंटीरियर में भी आपको 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील विथ हैप्टिक कंट्रोल, 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एडास, पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स इस कार में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगली गाड़ी की, तो वो अल्ट्रोज रेसर एडिशन। जी हाँ दोस्तों, अल्ट्रोज रेसर एडिशन भी भारतीय कार बाजार में जल्दी लॉन्च होने की तैयारी कर रही है। बेसिकली ये कार कम्पीट करने वाली Hyundai i20 N लाइन से। एक स्पोर्टी वर्जन रहने वाला जिसमें आपको जो इंजन है वो इनहेंस मिलने वाला, पावर इनहेंस मिलने वाली, टर्बोचार्ज इंजन मिलने वाला, साथ इसमें आपको सनरूफ, 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, न्यू रेड एसेट्स के साथ कार में आपको कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलने वाले, ब्लैक एलॉय व्हील्स देखने को मिलने वाले। साथ ही कार के लुक्स काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम अपीलिंग बनाए गए हैं, जो कि आप स्क्रीन पर इजीली देख सकते होंगे। इसे और ऑटो एक्सपो 2023 में शोकास्ट किया गया था और ये नवंबर 2023 तक भारतीय कार बाजार में लॉन्च हो सकती है और प्राइसिंग 10 लाख के आसपास रह सकती है। तो बस यही कुछ कार जो टाटा मोटर्स जल्दी भारतीय कार बाजार में लॉन्च कर सकता है। अगर आप इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।